एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एमसीबीएसई नर्सिंग में आपको एग्जाम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब आप वहाँ पे सीबीटी बेस्ड एग्जाम दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जब आप लॉगिन वगैरह करते हो तो वहीं पे आपको यूज़र नेम है वो बोलेंगे, आपको अपना आईडी डालनी होती है विदाउट आपके यूके, एंड पासवर्ड वो आपको खुद बताएंगे, पासवर्ड आप अपना वाला नहीं डालोगे। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन वो बोलेंगे डालने के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है, एंड आपको सिर्फ अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो याद रखना है। उसके वो तो आपके पास एडमिट कार्ड में भी होगा तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर कुछ आपको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, तो आप जो आई हैव रीड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन है उस पर आप टिक कर दोगे। उसके बाद प्रोसीड करोगे, देन वहाँ पर आपको बताएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि एग्जाम में क्या क्या है। आप वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पहले, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है। ये कहाँ पे बताएगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो उसके बाद उसके साइड पर ही आपका ये बार चल रहा होगा जिसपे एक से लेकर आपके 100 तक लिखा होगा। उसमें आपके जो ये बॉक्सेज हैं ना इनके कलर पर डिसाइड होगा कि आपने वो क्वेश्चन अभी तक किया है या नहीं किया है, वो आपको पता चल जाएगा इन बॉक्सों पर देखने के लिए। इसमें क्या करना होता है, जैसे रेड वाला क्या है आपने आंसर नहीं दिया, ग्रीन वाला आपने आंसर दे दिया, फोर वाला है कि आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, एंड फिफ्थ वाला क्या हो जाता है कि आपने रिव्यू के लिए भी छोड़ रखा है बट आपने उसका आंसर भी दे दिया है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो एम्स में है आपका वो कंसीडर नहीं करा जाएगा आपका आंसर। अगर आपने रिव्यू वाला फ्लैग नहीं हटाया ना उसका, तो आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर आपने आंसर तो दे दिया बट आपने फ्लैग हटाना भूल गए तो वो आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा एम्स में। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन देख रहे होते हो, जैसे एक क्वेश्चन है जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आपका डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया था आपका, स्पीस एरिया रिलेशनशिप किया था ना आपका, तो यहाँ पे आप क्या करोगे जब इसका आंसर दे रहे होंगे तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, सॉरी थर्ड वाले पे, उसके बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट किस केस में करोगे, जब आपको पता है कि हाँ आपका आंसर सही है, आप उसको क्लिक कर देना। आप बाद में चेंजेस भी कर सकते हो अपने आंसर में, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर, मतलब आपने पहले उसका आंसर दे दिया, आप उसको हटाना चाहते हो तो क्लियर करोगे। फिर है आपका थर्ड ऑप्शन, एम्स में भी सेम ही आते हैं आपके ऑप्शन ऐसे। फिर है सेव एंड मेक फॉर रिव्यू, सेम एंड मेक फॉर रिव्यू मतलब कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सेव करना चाहते हो और इसको बाद में आके दोबारा देखोगे। फिर है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब अभी आपने इसका आंसर नहीं दिया है, आप इसको रिव्यू के लिए छोड़ दे रहे हो, रिव्यू के लिए छोड़ दे रहे हो इन द सेंस कि आप बाद में आके इस क्वेश्चन को देख लोगे। और जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे हो उसके बॉक्स ऐसे ही वाइट कलर के रहेंगे, तो आई थिंक फ्लैग वाला मत करना आप, अगर आपको लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका तो फ्लैग वाला मत करना, बस उसको छोड़ के आ जाना उस क्वेश्चन को। देन लास्ट में आप उस इन बॉक्सेस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको आ रहे हों बट आपको डाउट है कि ये सही है या नहीं है, उस केस में ही आप जो आपका रिव्यू वाला फ्लैग है उसका यूज़ करना। उसके बाद जब आपने उसका आंसर लगा दिया रिव्यू वाले फ्लैग का, देन आप क्या करोगे उसमें से वो फ्लैग रिमूव कर देना, मतलब जो आपका ये सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है ना, ये वाला आपका एम्स में एक फ्लैग जैसा बना होता है पॉइंट, उसको रिमूव कर देना और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, बस ये करना है आपको, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा बट करना है आपको। यहाँ पे तो ये आपके ऐसे टैब जैसे बने, वहाँ पे आपके फ्लैग जैसे बने होंगे, तो वो फ्लैग आपको वहाँ पे से क्लिक करके रिमूव करना होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप सबमिट करोगे, सबमिट का आपका वहाँ पे दो और के अंदर अपने आप सबमिट हो जाता है, वरना ये सबमिट आप तभी मत दबाना मतलब जब आप पेपर कर रहे हो। ठीक है, एक ये भी बात ध्यान रखने की, ये सबमिट है कि आपका पेपर फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये टैब जो आपका नीचे आ रहा है वहाँ एम्स में आपके साइड में चल रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ज़्यादा हो जाते हैं, आप जितना लगाते हो क्वेश्चन उससे ज़्यादा तो आपका नेगेटिव चला जाता है। तो नेगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप श्योर हो, देन देखना कि आपने इस वाली टेबल से देख लेना, वो सामने चल रही होगी कि आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतने क्वेश्चन कर लिए हैं ना। अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो वो आपका ये होगा कि आपको इसमें ये भी चेक करना होगा कि 80 में से आपके कितने सही, आपको करेक्ट श्योर लग रहे हैं सही है। अगर इसमें से कुछ भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि नहीं ये गलत हो सकते हैं, तो उनको रिमूव कर देना अपनी लिस्ट से। ठीक है, जैसे 80 प्लस अगर आपने कर रखे हैं एज अ जनरल, आपको 80 प्लस करने ही होंगे क्वेश्चन, एज अ ओबीसी 60 प्लस करने होंगे आपको क्वेश्चन, एंड एससी एसटी भी अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन करके आओगे तो आपका सेफर स्कोर आ जाएगा। ये तभी है जब आप इन क्वेश्चनों को एकदम सही करके आ रहे हो, जब आप श्योर हो कि हाँ ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं बायो में जैसे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, जैसे ये वाला आया एनसीईआरटी से। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो ऐसे ही होता है आपका क्वेश्चन जहाँ पे आप श्योर हो सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में आपके मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ठीक है, अब आपने फॉर्मूले में पुट करा, आपका आंसर एक्यूरेट वहीं जितना आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उतना आ रहा है, तो आप श्योर हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिजिकल में तो आप श्योर हो जाओगे जैसे आप फिजिक्स की तरह हुए थे। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, आपको बस ऑर्डर याद करना होगा, अभी ऑर्डर पे डिपेंड करेगा आपके रिएक्शन, और जो आपके 12th में सरफेस और जीपीआई हैं उसमें तो आपको रिएक्शन वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक में बहुत से बच्चों को डाउट होगा, तो ऑर्गेनिक में आप उतना ही क्वेश्चन करना जितना आपको लगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके थोड़े कम बनेंगे, तो अभी आप ऑर्गेनिक को छूना, वरना अगर आपके क्वेश्चन हो गए हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप बाकी क्वेश्चनों को मत छूना। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तो आपको करनी नहीं है, और ये फ्लैग वाला आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिव्यू के लिए छोड़ते हो उसके बाद आके उसका आंसर दे रहे हो, तो उस फ्लैग को जब आंसर सेव करोगे तो रिमूव कर देना।
ठीक है, जब आपने वो आंसर दे दिया तो वो ये जो बटन है, जैसे आपने 40 वाले को रिव्यू के लिए रखा था, जब आप वो फ्लैग रिमूव करोगे तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि आप उसको रिव्यू के लिए फ्लैग को रिमूव करके आओगे, वरना वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। एंड जितनी हेल्प मेरे से हो जा रही है मैं लास्ट मोमेंट तक करूँगी। जीके के लिए जो मैंने बोला है आपको, मैं आपका टेलीग्राम पे जो वीडियोस प्रोवाइड करी हैं आपकी दिसंबर टू मई तक की, आपको करनी है करंट अफेयर। और ये मैंने पहले क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें आप बहुत टाइम लगा देते अगर करने के लिए आते, क्योंकि आपके 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको इतना वो नहीं होना चाहिए कि आप सारा टाइम उसको दे रहे होंगे। रीजनिंग तो आपकी वही ईजी वाली आएगी, अब इजी वाली आएगी तो आप कर सकते हो आराम से। रीजनिंग वैसे ज़्यादा टफ नहीं आती है इसमें।